नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। टीम इंडिया टी20 सीरीज का तीसरा मैच बेंगलुरु में खेलेगी। उसने अफगानिस्तान को शुरुआती दो मैचों में हराया है। अब वह क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अफगानिस्तान के लिए भारत को टक्कर देना आसान नहीं होगा। अगर बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत के टी20 रिकॉर्ड को देखें तो वह ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। भारत ने यहाँ 7 टी20 मैच खेले हैं। इस दौरान 3 जीते हैं और 3 में हार का सामना किया है। रोहित शर्मा बेंगलुरु में नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। वहीं टीम इंडिया ने बेंगलुरु में आखिरी टी20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर 2023 में खेला था। भारत ने इस मुकाबले में 6 रनों से जीत दर्ज की थी, जबकि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टी20 मुकाबले का रिजल्ट नहीं निकल सका था। वह मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। भारत ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बांग्लादेश और इंग्लैंड को भी टी20 मैचों में हराया है। टीम इंडिया ने बेंगलुरु में पहला टी20 मैच पाकिस्तान के खिलाफ दिसंबर 2012 में खेला था। इस मुकाबले में उसे 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इसके बाद भारतीय टीम ने यहां मार्च 2016 में मैच खेला, इसमें बांग्लादेश को हराया। वहीं टीम इंडिया ने फरवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच खेला, उसे 75 रनों से मात दी थी। बता दें कि बेंगलुरु में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। उन्होंने 5 मैचों में 116 रन बनाए हैं। वहीं कोहली का इस दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 72 रन रहा है। महेंद्र सिंह धोनी दूसरे नंबर पर हैं। धोनी ने 4 मैचों में 110 रन बनाए हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 56 रहा है। वहीं सुरेश रैना 103 रनों के साथ तीसरे नंबर पर हैं।